गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, बिकॉज कोई भी स्टॉक की जब लिस्टिंग होती है मार्केट में, सो वो आईपीओ के थ्रू ही लिस्ट करता है। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे आईपीओ का। सो फर्स्ट हम आईपीओ का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम पहले पहले प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट समझते हैं, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट होते हैं, इसमें टू टाइप्स के मार्केट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। सो अभी प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई भी कंपनी के शेयर या बॉन्ड या एनी सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज जब आप डायरेक्टली कंपनी से परचेस करते हो, ठीक है, कंपनी से डायरेक्ट बाय करते हो, तो वो जो बाइंग होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब आप किसी एक्सचेंज के थ्रू बाइंग सेलिंग करते हो एनी सिक्योरिटीज, किसी भी सिक्योरिटीज में, ठीक है, तो वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो अभी कोई भी कंपनी है, जब वो मार्केट में लिस्ट होती है, मार्केट में लिस्ट होती है मतलब मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है, उसके शेयर्स को जब मार्केट यानी कि एक्सचेंज में जब उसको लॉन्च किया जाता है एक्सचेंज पे, तो वो मार्केट में किसके थ्रू एंटर होती हैं? आईपीओ के थ्रू एंटर होती हैं। अब आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, पब्लिक मतलब रिटेल्स, है ना, और ऑफरिंग मतलब कि कुछ ऑफर कर रहा है व्यक्ति। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है आईपीओ के थ्रू वो मार्केट में लिस्ट होती हैं, न्यू कंपनीज जो हैं वो आईपीओ के थ्रू मार्केट में लिस्ट होते हैं, तो इसको आईपीओ बोला जाता है। और जब आप कोई भी सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी के थ्रू परचेस करते हो, डायरेक्ट कंपनी से परचेस करते हो, तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। और जब आप कोई भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के थ्रू परचेस करते हो, एक्सचेंज से बाय करते हो, तो उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। यहाँ पे आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एनसीडीज, बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि इवन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एमएफ होते हैं, उनका जैसे आईपीओ आता है इसी तरीके से एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर, है ना, न्यू फंड ऑफरिंग बोला जाता है इसको, एनएफओ आता है। तो ये हम फॉर सपोज अगर किसी कंपनी का राइट्स है तो वो भी हम कहाँ से परचेस करते हैं? प्राइमरी मार्केट से परचेस करते हैं। अगर कोई कंपनी लाइक ओएफएस ला रही है, ओएफएस रहता है ये, है ना, तो ये अगर ला रही है मतलब नई शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, ऑलरेडी लिस्टेड है एक्सचेंज में, बट और जो इक्विटीज़ हैं वो मार्केट में लॉन्च करने वाली है कंपनी, तो वो भी हम प्राइमरी मार्केट से ही परचेस करते हैं। देन एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, ग्रे मार्केट प्रीमियम्स, ठीक है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है आईपीओ के केस में? जिस तरीके से हमने लाइक फॉर सपोज एनी सिक्योरिटी है ना, कोई भी शेयर है या कोई भी स्टॉक है किसी कंपनी का, उसकी जो फेस वैल्यू है, उसकी फेस वैल्यू है फॉर सपोज 10 रुपीज, है ना, बट ये कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी मार्केट में लिस्ट होने वाली है, मार्केट में लिस्ट होने वाली है मतलब अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है ये कंपनी, तो इसकी एक ग्रे मार्केट प्रीमियम चलती रहती है। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होती है? इसका मतलब ये है कि इस कंपनी की डिमांड कितनी है मार्केट में, मतलब मार्केट में कितने लोग इसको परचेस करने के लिए रेडी हैं, और अगर परचेस करने के लिए रेडी हैं तो किस प्राइस पे परचेस करने के लिए रेडी हैं। तो ये जो प्राइस है,
जिस प्राइस पे लोग परचेस करने के लिए रेडी हैं, इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम बोला जाता है। यानी कि कंपनी मार्केट में लिस्ट होने से पहले, एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले, उसका जितना अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है, जितना हाई ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है, आईपीओ का जो प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस मतलब जिस दिन भी आईपीओ लिस्ट होगा उस दिन जो उसका प्राइस चल रहा होगा, लिस्टिंग प्राइस, वो कितना परसेंटेज गेन कर सकता है, इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, तो जो किसी भी स्टॉक के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो उसके फेस वैल्यू से अप चल रही है, फॉर सपोज 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 100 रुपीज चल रही है ना, क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जितनी ज्यादा ग्रे मार्केट उतनी कम रहती है, उतनी ज्यादा उस स्टॉक की डिमांड रहती है। और अगर डिमांड ज्यादा है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जब भी इसका एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, है ना, एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे जब भी स्टॉक लिस्ट होगा, तो कितना परसेंटेज गेन कंपनी दे सकती है। फॉर सपोज अगर 100 रुपये पे लिस्ट हो रहा है, मतलब जो आईपीओ प्राइस है कंपनी का, ऑफर प्राइस है कंपनी का, इसको ऑफर प्राइस बोला जाता है ना, तो ये जो आईपीओ प्राइस है 100 रुपये का, ये जब लिस्ट होगा जिस दिन भी मार्केट में, तो ये कितना अपवर्ड मूव कर सकता है, कितना परसेंटेज अपवर्ड मूव कर सकता है। तो फॉर सपोज अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ प्राइस सिमिलर चल रही है, दैट मीन्स कि मार्केट में, ऑफ मार्केट में जो इसकी डिमांड है स्टॉक की, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे अगर हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आईपीओ हमको अच्छा खासा गेन दे सकता है। अब ये कितना गेन दे सकता है, तो ये कितना भी गेन दे सकता है, 0% से लेकर तो कितना भी गेन दे सकता है, बिकॉज जो आईपीओ जिस दिन भी आता है ना, उसमें कोई उसकी लोअर और अपर लिमिट नहीं होती है। मे बी ये माइनस में भी जा सकता है कि फॉर सपोज 100 रुपये पे ऑफर प्राइस है, तो हो सकता है कि 50 रुपीज पे लिस्ट हो स्टॉक, अगर इसकी डिमांड कम रही तो। अच्छी डिमांड अच्छी है, ज्यादा है, तो यहाँ पे मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि प्राइस है, आईपीओ प्राइस है और ग्रे मार्केट प्रीमियम है, उसके अकॉर्डिंग ये 200 रुपीज के आसपास भी ओपन हो सकता है। अगर 200 पे ओपन होता है, मतलब 100% गेन दे रहा है ये आपको आईपीओ। अब आईपीओ कितने दिन के लिए ओपन रहता है, मिनिमम इसका क्या, लाइक मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका आईपीओ का क्राइटेरिया क्या रहता है, लाइक अगर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लाना चाह रही है, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, वो भी हम डिस्कस कर। आईपीओ लॉन्च होता है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने का रहता है, तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है वो 15,000 रुपीज का रहता है, अराउंड 15K का रहता है। एक लॉट का जो प्राइस रहता है वो 15,000 से कम का होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, ज्यादा नहीं कर रख सकते हो आप 15,000 रुपये से। देन यहाँ पे लॉट साइज रहता है, लॉट साइज प्री डिफाइन होता है कंपनी के थ्रू, है ना, जो भी कंपनी लॉट साइज देती है आपको उसी पे, मतलब फॉर सपोज अगर कोई कंपनी 100 100 रुपीज का प्राइस दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 15,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मतलब 150 जो लॉट साइज रहेगा कंपनी का, वो कितना रहेगा, 150 रहेगा, मतलब आपको मिनिमम 150 के लिए अप्लाई करना है। अब क्या इसमें से हम 50, 10 या 20 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, जो लॉट साइज रहता है आप उसके मल्टीपल में, मतलब अगर 150, अगर आपको तीन दो लॉट करने हैं, मतलब 300 क्वांटिटी के लिए जाना है, तो आपको दो लॉट करने पड़ेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 150 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन ये 3 डेज के लिए ओपन रहता है, मतलब अगर आईपीओ लॉन्च होते हैं, आईपीओ मार्केट में आता है, तो 3 डेज के लिए ओपन रहता है, 3 दिन में आपको अप्लाई करना होता है। देन इसका जो लिस्टिंग रहता है मार्केट में, वो विद इन अ वीक हो जाता है, मतलब 7 डेज में इसका नेक्स्ट, जैसे ही ये क्लोज होगा आईपीओ, 3rd डे, उसके 7 डे में आपका लिस्टिंग होता है। अब लिस्टिंग किस तरीके से होता है, तो लॉटरी बेसिस पे होता है, ठीक है।
लॉटरी बेसिस पे होता है, मतलब रैंडम किसी को भी मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उसी को मिलेगा, या जिसने कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उसी को मिलेगा। ये रैंडम मिलता है, किसी को भी मिल सकता है। देन इसमें जो दो कैटेगरी रहती है, एक रिटेल कैटेगरी रहती है, ठीक है, जो कि बिलो 2 लाख रुपीस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, तो वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। और एक HNI कैटेगरी रहती है जो कि अबव 2 लाख रुपीज होती है, मतलब जो 2 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है IPO में, तो उसको HNI कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। देन अगर आप IPO के लिए अप्लाई करते हो और आपको IPO नहीं मिलता है, तो जो लिस्टिंग रहती है उसके 1 डे बिफोर आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में रिलीज हो जाता है। और ये 7 डेज के लिए आपका जो पैसा है वो सेविंग में उसका होल्ड लगा हुआ रहता है, लीन मार्क रहता है। आपको वो पैसा सेविंग में दिखता तो है, बट आप उस अमाउंट को, जितने भी अमाउंट का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप यूज नहीं कर सकते हो। और जिस दिन भी लिस्ट रहेगी, 1 डे बिफोर ऑफ लिस्टिंग, आपका पैसा जो है अगर आपको नहीं मिला है तो आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको मिल रहा है IPO तो आपको डिडक्ट हो जाएगा, अकाउंट से डेबिट हो जाएगा ये जो भी अमाउंट रहता है IPO का वो। तो ये बेसिक नॉलेज है। IPOs हमेशा प्राइमरी मार्केट के थ्रू आते हैं, है ना, और सेकेंडरी मार्केट हम किसको बोलते हैं, जो ऑलरेडी एक्सचेंज से हम ट्रेड करते हैं, जो एक्सचेंज से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बाइंग या सेलिंग करते हैं सिक्योरिटीज का एक्सचेंज के थ्रू, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। अगर हम डायरेक्ट कंपनी से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं सिक्योरिटीज का, कंपनी हमको शेयर्स जो है हमारे डीमैट में, हमारे अकाउंट में दे रही है, तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जो शेयर कोई भी नए कंपनी जब लिस्ट होती है मार्केट में, है ना, न्यू कंपनी जब भी मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, तो वो IPO के थ्रू लिस्ट होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और अगर म्यूचुअल फंड लिस्ट होते हैं तो वो NFO के थ्रू लिस्ट होते हैं, न्यू फंड ऑफर्स। ये MCs करती हैं और ये कंपनीज खुद करती हैं। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट था IPO से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।